तो गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ्स की। यहाँ से आपके बिल्कुल प्रश्न बनेंगे, 2 से 3 नंबर यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन सकते हैं जो कि SSC रेलवे व्यापम CGPSC में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक करेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है जो कि 7 से 8 बार प्रश्न पूछ चुका है। कितने बार? 7 से 8 बार यह प्रश्न पूछ चुका है व्यापम SSC रेलवे में। तो चलिए जल्दी से इसको क्लास ज्वाइन करें। जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। जो लोग छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर प्री मेंस के लिए साथ ही चपरासी भर्ती जिसका एग्ज़ाम कब है 25 सितंबर को, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 25 सितंबर को है प्यून का, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए क्लास में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, 720 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 10% छूट देने के पश्चात, यानी कि 720 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर कितने परसेंट छूट दे रहा है, 10% के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए, यह प्रश्न पूछा है। जो कि देखिए यह प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछता है और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो, तो इसको छोड़ना नहीं है। सबसे आसान तरीका है, क्या करेंगे, सबसे पहले 720 रुपये, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 720 रुपये क्रय मूल्य पर वस्तु को कितने परसेंट छूट दे रहा है, 10%। अगर देखिए हमारे पास मान लीजिए 100% रहता है, ठीक है, 100% अगर उसमें 10% छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यही मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्या करोगे, और 25% लाभ है तो लाभ को हम क्या करेंगे, 125, ठीक है, ऊपर लिखेंगे इसको, और जो छूट दिया गया है 10% यानी कि 90 हो जाएगा। अब 10% छूट, अगर मान लो जी अगर 20% छूट देता तो कितना होता, 80 होता, है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ से 1 0 कट गया, फिर 1 0 कट गया, 9 8 72, ठीक है, अब 8 को 125 से गुना कर देंगे, ठीक है, अब 8 को 125 से गुना करेंगे, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर 8 गुना 125, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 को 125 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1000, ठीक। तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है, जो कि दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, 1000 रुपया रखा जाना चाहिए। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। देखिए राहुल अंकित बोल रहे हैं कि समझ में आ गया सर करके, चलिए ठीक है। यह क्लास देखिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, इसका रिकॉर्डेड क्लास आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, यह क्लास आपको, हाँ बिल्कुल, नितेश कह रहा है सर इसका, हाँ ठीक ठीक आ जाएगा ना भाई। देखिए मैं एक बार और समझा दूँगा इसको, ठीक है, एक बार समझा देता हूँ, देखो फिर से दोबारा समझना, ठीक है। 720 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 10% छूट देने के पश्चात, कितना परसेंट दे रहा है, 10% छूट देने के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को कितना रुपये अंकित मूल्य रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, 720 रुपये, ठीक है, यहाँ पर 720 रुपये कितना परसेंट छूट दे रहा है, 10% ना, उसको नीचे में लिखना है, जो लाभ है उसको ऊपर में लिखना है, तो 25% लाभ है यानी कि 125, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 10% छूट दे रहा है यानी कि कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक, 90 हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इसको 0 और ये 0 कैंसिल कर दोगे, 9 8 72, यहाँ तक क्लियर हो गया ना नितेश, हाँ। देखिए अब उसके बाद 8 गुना 125 करेंगे, जब इसको 8 गुना 125 करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यहाँ अब क्लियर हो गया ना, हाँ ऑप्शन डी आएगा, हाँ चलिए ठीक है, इनको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास देखेंगे ना क्या, हाँ सेकंड क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोबारा, ठीक है, ये वाला सवाल को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 210 रुपये। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, मैं इसको ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल समझना इसको। यदि लाभ 25% हो तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है।
ध्यान से समझिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना है, यहाँ पर 210 रुपया है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है ना। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि लाभ कितना बोला गया, 25% लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या निकालोगे, तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार यहाँ पर मैं बता दिया अंतर कितना है, 210 रुपये है। लेकिन देखिए इसको ध्यान से समझना ना, 210 रुपये गुना क्या करेंगे, 100 से हमें गुना करना पड़ता है प्रतिशत के लिए, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया, 25% के लिए। यदि लाभ कितना है, 25%, ठीक है, ध्यान से समझना, 25% लाभ है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हाँ, कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 25 से कम, 25 चौं 100, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, फिर 210 गुना 4, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 210 से गुणा करें, 400 4 1 4 और इधर के 4 2 8, यानी कि 840 रुपये, ठीक। इसको ध्यान से समझना, ठीक है, कॉपी में नोट करते चलिएगा, कॉपी में नोट करते चलिए इसको, 840 रुपये। यहाँ तक यहाँ क्लियर हो गया। अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर पूछा गया है 210 रुपये और लाभ 25% के लिए। अभी आंसर नहीं आया है ना, ध्यान से समझ। इतना हो गया क्या, हाँ राहुल, हाँ राहुल कॉपी में नोट कर लिए ना, ठीक। नितेश भी कॉपी में नोट कर लिया, पिंकी, रिंकी, हाँ सीता ने बोल रहा, अच्छा सीता नहीं किया है, जल्दी कीजिए ना, सॉल्व करें। हाँ आगे बच्चा है, इसको पहले नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब क्या बोला गया है, ये 840 रुपये क्या निकला उसका, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। अभी 25% वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब देखिए 840 रुपये जो आया था उसको क्या करना है, 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य तो 840 गुना, ठीक है, 125, कितना 25% लाभ है ना यहाँ पर, तो 25 गुना कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 100 से गुना करते हैं ना, हाँ बिल्कुल। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसको काट देंगे, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, अब कितना बच गया, बराबर 840 गुना 5/4, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक। चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं। अब यहाँ से काटेंगे, 4 से 4 1 कम 4, 4 2 8, 4 1 कम और ये 210, ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा तो 210 गुना क्या करेंगे, 5, ठीक। अब 210 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 और 5 1 कम 5 और 5 2 10, ये आपका आंसर हो जाएगा 1050 रुपये, जो कि वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अंतर 210 रुपये था, जबकि प्रतिशत में पूछा गया है, तो 25% लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1050। ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, पप्पू बोल रहे हैं, ठीक क्लियर हो गया सर, ठीक। चलिए क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ना, बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन की, प्यून भर्ती की और सब इंस्पेक्टर भर्ती की, उन लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। शाम 5 बजे गणित की क्लास होती है और सुबह 9 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है। बिल्कुल नए सीरीज पर चल रहा है, डेली क्लासेस और डेली बेसिस पर होगी, ठीक है। चलिए देखिए, 15% एल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए कि जिससे मिश्रण के एल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। यह SSC, RRB और CG व्यापम में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इसको,
कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है? इसको ध्यान से समझिए और कॉपी में नोट करते चलिएगा। सबसे पहले 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिला जाइए। तो सबसे पहले 15% वाले को हल कर लेते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये 12% वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका है बेसिक, मतलब यहाँ पर देखिए बेस टू बेस आप लोग क्लियर करते जाइए। देखिए 15% बोला गया 20 लीटर के लिए, तो इसको नोट कीजिएगा, ठीक है? मैं इसको मिटाऊँगा फिर इसके बाद। 20 × 15/100, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको काटेंगे, ठीक है? 20 से कम 20, 20 × 5 = 100 और 5 से कम 5 × 3 = 15, यानी कि 3 लीटर यहाँ पर हो गया, 3 लीटर यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जो कि 15% एल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना परसेंट पानी मिला चाहिए 3 लीटर में, क्या करोगे? यहाँ पर देखिए 20 लीटर मिश्रण है, ठीक है? 20 एल्कोहल वाले में 20 लीटर मिश्रण है, कितना परसेंट पानी मिलाना चाहिए, यानी कि 20 लीटर में अगर 3 लीटर घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 17 लीटर, ठीक है? तो यहाँ पर 17 लीटर पानी मिलाना चाहिए। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में करके बताऊँगा, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक, गुड। इसके बाद देखिए जो 3 लीटर बचा था ना, उसको नोट करते चलिएगा ना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 3 लीटर, ठीक है? अब क्या बोला गया, जिसमें मिश्रण एल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये 3 + 1 से ले लेते हैं, एक मिनट ना, एक से ले लेते हैं, एक मिनट, ये 3 + 1। और क्या बोला गया है यहाँ पर, जब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक मिनट ना, ये देखिए 20 लीटर बोला गया, तो 20 + 1 = कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो 12/100 यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसको कैंसिल करेंगे, छोटा रूप में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको छोटा रूप लिख लेते हैं ना, यहाँ से 20 × 5 = 100 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 4 से काटेंगे तो 25 × 100 और ये हो जाएगा 4 × 12, ठीक, यानी कि 3/25। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, एक मिनट ना, तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है? 25 × 75, यहाँ पर 75 + 25 × 1, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, यहाँ से इधर गुणा करेंगे 3 से, तो 20 × 3 = 60 प्लस यहाँ कितना हो गया है 3x, है ना? चलो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक मिनट ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको गुणा कर लिए हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 + 25 × 1, ठीक है? 75 + 25 × 1 / कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा 60 + 3x, ठीक है? ये 60 + 3x यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक नोट कर लिए। अब देखिए इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है? और इसको इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 75 में 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नोट करते चलिएगा ना ध्यान से, 75 में 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। इक्वल कितना आ जाएगा, 25 में 3x घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, 22x, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये बराबर का चिन्ह है, इसको इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ये वाला माइनस में आ जाएगा, ठीक है? तो 15 - 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 - 22, ठीक, यहाँ तक हो गया, 15 - 22 यहाँ तक हो गया। 15 में 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है? 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है? 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये छोटा हो रहा है ना, PDF यहाँ पर छोटा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन छोटा हो रहा है ना यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर छोटा हो रहा है, इसलिए बैकग्राउंड नहीं बढ़ रहा है ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है और ये जो सीट है छोटा हो गया है। चलिए तो इसको यहाँ तक 7 आ गया, 7 लीटर होगा, कितना होगा, 7 लीटर होगा। ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा, ए आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना? चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन देखेंगे ना, जो कल से आपका नई बैच स्टार्ट होगी गणित की बेसिक से, बेसिक से आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में ऐसे ही डिटेल आपको कराया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, 5:00 PM गणित की क्लास होती है, और छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, हो सके तो